अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आमना ज़फ़र एंड यू आर वॉचिंग आमनाज़ किचन 2020। तो जल्दी से मैं आपको बता दूं कि आज मैं सिंगापुरियन राइस बना रही हूं। राइस जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रखे हैं। उसके अलावा जो सारी इंग्रेडिएंट्स हैं उसके अंदर, ये मैंने स्पैगेटी लिया है, ये हाफ पैकेट से कम है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने 4 से 5 अदद जो है वो गाजर लिया था, 3 से 4 अदद जो है वो शिमला मिर्च है, हाफ बंद गोभी ली थी। उसके अलावा मैंने ये 100 ग्राम जो है वो चिकन लिया है, ये सफ़ेद मिर्च है 1 खाने का चम्मच, नमक है 1 खाने का चम्मच, चिली फ्लेक्स हैं ये भी 1 खाने का चम्मच है। उसके अलावा लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, और जो है चावल जो है वो मैंने बॉईल करने रखे हुए हैं 1.5 कप। उसके अलावा इसमें ऑयल जाएगा और ये सॉसेस जाएंगी, सोया सॉस, विनेगर एंड चिली सॉस। उसके अलावा जो सिंगापुरियन राइस के ऊपर जो टॉपिंग होती है वो, उसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून जो है वो केचप लिया है, 3 टेबलस्पून मेयोनीज़ है। उसके अलावा इसके अंदर मैंने ये सफ़ेद मिर्च है, ये तकरीबन 1/2 टीस्पून है, 2 पिंच ऑफ सॉल्ट है एंड 2 पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स हैं, और ये 2 क्लोव्स जो है वो मैंने गार्लिक के लेके उसको क्रश कर लिया है। सो सबसे पहले मैं ये सारा सामान जो है वो इस सॉस में डाल के इसको मिक्स कर लूँगी, और साथ ही साथ जो है वो मैं सब्जियां पकाने रखती हूँ फॉर 2 or 3 मिनट्स। ये इसके अंदर सारा सामान ऐड करके एंड इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी मैं। यू कैन सी ये जो है अच्छी तरह मैंने मिक्स किया है। इसका कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक है, तो उसमें मैं तकरीबन 1 to 2 टेबलस्पून जो है वो पहले पानी मिलाऊँगी, और अगर उसके बाद मज़ीद नीड होगी तो और ऐड करूँगी। थोड़ा ज़्यादा, इतना ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। सर नाउ यू कैन हैव अ लुक, ये इसका कंसिस्टेंसी अब बिल्कुल तैयार है। नाउ कीप इट असाइड। नाउ एक कढ़ाई में मैंने जो है वो बहुत थोड़ा सा ऑयल डाला है, 2 टेबलस्पून के बराबर है, और इसके अंदर मैं गार्लिक ऐड करूँगी। गार्लिक को अच्छा थोड़ा सा गोल्डन कलर का फ्राई करें, और उसके बाद इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। लहसुन का कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो गया, अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। चिकन के साथ साथ जो है वो मैं इसके अंदर सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही मैं इसमें तकरीबन 2 खाने के चम्मच जो है वो केचप ऐड कर रही हूँ, और उसके साथ साथ नमक, छोटी हुई मिर्च और सफ़ेद मिर्च। इसको जो है वो 2 to 3 मिनट्स पकाएं, फिर चिकन जो है वो गल जाए। उसके बाद मैं इसको अलग कर लूँगी एक पैन में। दिस इज़ रेडी। अब इसको जो है मैं एक अलग पैन में बॉल में निकाल लेती हूँ, और फिर ये असेंबली के वक्त मैं यूज़ करूँगी। मैं 1 चम्मच तेल, खाने का 1 चम्मच तेल डालकर, एंड आई एम गोइंग टू ऐड ऑल द वेजीज, ये सारी वेजिटेबल्स जो मैंने कट करके रखी थी इनको ऐड करूँगी, और इनको हल्का सा सिर्फ स्टोव फ्राई करूँगी। इसके साथ ही इसमें नमक, कुटी हुई मिर्चें और सफ़ेद मिर्च ऐड करूँगी, और साथ ही सोया सॉस, चिली सॉस एंड विनेगर। तो सिंगापुरियन राइस के जो हैं वो सारे एलिमेंट्स जो हैं वो तैयार हैं। दीज आर द बॉइल्ड राइस, दीज आर मिक्स वेजीज जिसको मैंने स्टोव फ्राई किया है, दिस इज़ अ चिकन जिसके अंदर मैंने सारे मसाले इसको ऐड किया है, एंड दिस इज़ अ बॉइल्ड स्पैगेटी। नाउ वी आर गोइंग टू असेंबल इट। मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस तरह करते हैं, सारी चीज़ें इसके ऊपर टॉप करते हैं, या जो है आप कोई और तरीके से करना चाहते हैं, सारी वेजिटेबल्स और राइस और स्पैगेटी इसको मिक्स करना चाहते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू यू।
एंड ऑन द टॉप इसकी सॉस जो बनाई है। सो हियर इज़ अ फाइनल लुक ऑफ इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। ज़रूर रेसिपीज़ को ट्राई किया करें और मुझे फीडबैक भी ज़रूर दिया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज़ द अदर वे, जिस तरह आप इसको चाहें तो सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करके भी सर्व कर सकते हैं। नॉट अ बिग डील। सो मस्ट ट्राई एंड शेयर योर रिव्यूज़। थैंक यू।